सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक ही गेम प्ले रहेगा जो कि यहाँ पर 3.1 का जो अपडेट अपने BGMI में आने वाला है ना भाई, उसके बारे में जो भी चीज होगा ना मैं सारे A to Z बता दूंगा। और आज का ये वाला जो वीडियो होगा ना भाई, इसमें कोई गेम प्ले के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता होगा जो अपना BGMI है ना, इसमें 3.1 का अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आप लोग पबजी मोबाइल खेलते हो तो आप लोगों को पता तो चल चुका होगा, क्योंकि उसमें पहले 3.1 का अपडेट आ भी चुका है। एंड ये वाला जो मैच है ना, मैंने कल ही खेला, और ये वाला मैच खेलने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा ना कसम से, ये मोड BGMI में अगर गया ना कसम से रैंक पुश करने बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और इसमें जो भी मतलब A to Z जो भी होगा ना, मैं सारे आपको बता दूंगा। और शायद से वाला जो मोड है ना अपने BGMI में ऐसा कुछ 20 या 22 को देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो बैन वाला जो न्यूज चला है ना, उसके कारण शायद से यहाँ पर डेट को आगे किया जा सकता है। अब ये वाला मोड के अंदर ना भाई लूट की कोई कमी होने वाला है नहीं, तो इसमें जो भी A to Z जो भी है भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर जितने भी बंदे आए ना, मैं उनको मार लूं। अब इसको मारने के बाद ना ये वाला इवेंट जो होता है ना, पूरा क्लियर तो हो गया था, लेकिन आपको पता होगा भाई कुछ दिन पहले लीक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो शायद से बनाया होगा, लेकिन ये जो नेड है ना कसम से, इसको करके ना मतलब एनिमी को ट्रोल करने में बहुत मजा आएगा। अब सबसे पहले ये वाला जो इवेंट है ना भाई, इसके अंदर अगर आओगे तो आपको ऑटो रिकॉल मिल जाएगा, मतलब ये हॉट ड्रॉप होने वाला, और यहाँ पर लूट की कोई कमी होगा ही नहीं। और ये वाला जो मोड है ना भाई, इसके अंदर स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि जो लूट है ना भाई, उसका कमी आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि भाई जहां भी जाओगे वहां पर कोई ना कोई क्रेट मिलेगा और उसमें से लूट आपको मिलते रहेगा। अब इवेंट के अंदर आने के बाद अगर सबको आप मार दे, तो उसके बाद यहाँ पर जो इवेंट का मेन मतलब सेंटर जगह पे ना, एक ये वाला लोकेशन होगा, यहाँ पर जीनी बाबा होगा जो कि आपको लोड भर भर के देने वाला है। अब जीनी बाबा ने इतना ज्यादा लूट यहाँ पर दे दिया, मतलब एक पूरी स्क्वाड की लूट यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे पावर भी आपको मिलेगा। और इसमें तो भाई बहुत सारे पावर है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले ये वाला पावर देखो, अब ये वाला जो पावर होता ना, ये पोर्टल वाला पावर होता है, इसको यूज करके ना एक जगह से दूसरे जगह आप जा सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो आइकन सा बन के आ रहा है, ये जहां तक होगा मतलब यहाँ तक पावर काम करेगा। अब इसको यूज करके ना एनिमी को थोड़ी सी कंफ्यूज करके आप बंदे को इजी मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना, जो टाइम होता है ना इसका भी कुछ टाइम होगा, मतलब 5-10 सेकंड का टाइम के बाद ना ये पोर्टल जो होता है ना, ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। और मैं अगेन बता रहा हूँ, ये वाला जो मोड होगा ना भाई, अगर आपकी टीम में अगर कोई ऐसा बंदा होता जिसको मतलब लूटने से मतलब होता, कोई बंदे मारने से मतलब नहीं, अगर वो बंदा अगर ये मोड को खेलेगा ना, कसम से इसमें लूट की कोई कमी होगा ही नहीं। अब इवेंट से एग्जिट होने के बाद ना, आपको कहीं भी ऐसे जोर के अंदर आपको फेंक देगा, उसके बाद ये जो मैजिक कारपेट जो जिसको बोलते हैं जादू वाला भाई, मतलब इसको लेके मतलब उड़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा ना कसम से। देखो अब इस पावर को यूज करके ना एक जगह से दूसरी जगह आप जा तो सकते हो, लेकिन इसमें भाई फ्यूल की कमी भी होता होगा, पता नहीं भाई इसमें मतलब मैं यूज कर रहा था भाई, इसका जो फ्यूल है ना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। अब इसको मैजिक वाला कारपेट या मैट कुछ भी बोल लो भाई, इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह आप जा तो सकते हो, लेकिन इसमें ना भाई फ्यूल का सिस्टम भी, और इसमें फ्यूल बहुत जल्दी खत्म भी हो रहा था। अब मैजिक वाला जो कारपेट होता है ना, उसको लेके मैं इस साइड आ गया था, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन ड्रॉप आया था। मैं अगेन बता रहा हूँ भाई, ये वाला जो मोड होगा ना कसम से, इसमें भाई लूट की कमी आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब लूट ही लूट मिलते रहेगा, कहीं भी जाओ मतलब कहीं भी जाओगे डिब्बा ओपन करते ही लूट ही मिलेगा। और आप लोगों को याद होगा जो फेरो टेम्पल वाला जो मोड आया था ना, उसमें दो ऐसा प्लेन पथ बनाया गया था जहां से मतलब फेरो वाला जो टेम्पल था ना, वो इधर से उधर होते रहता था, सेम इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। और ये वाला जो डिब्बा है ना, इसको खोलने के लिए कुछ चाबी का जरूरत पड़ेगा, तो वो चाबी आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर नाव से मैं नीचे की साइड आ तो गया था, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे पावर भी होगा, बहुत सारे मोड भी है, मतलब ऐसा बहुत सारे जगह होगा जो कि आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब मैजिक वाला जो कारपेट होता है ना, उसका पावर यहाँ पर खत्म हो गया, तो उसके बाद मैं अपना गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंचेंगी कि बस आगे तक यहाँ पर ये वाला क्या चीज बना रखा है देखो। अब यहाँ पर आने के बाद ना, आपको कुछ ऐसा बांसुरी जैसा कुछ चीज मिलेगा, जिसको बजाने के बाद ना यहाँ पर भाई सामने साइड जो डिब्बा सा होता है ना, ये ओपन हो जाएगा, इसमें से भाई आपको लूट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बांसुरी बजने के टाइम अगर आपके आसपास कोई एनिमी होगा ना, तो आपको जरूर से बजा देगा। अब यहाँ पर आने के बाद ना, आपके हाथ में ऐसा कुछ तीर जैसा दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सामने साइड जो आपको बैलून सा दिख रहा है ना भाई, इसमें आपको निशाना लगाना होगा।
अगर निशाना चूका तो आपको इस तरीके से बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर निशाना सही से लगा होगा तो ऊपर से एक डिब्बा गिरेगा जिसमें से आपको लूट मिल ही जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कुछ चाबी के बारे में, वो वाला चाबी लेके ना भाई वो डिब्बा को अगर खोलोगे ना भाई उसमें बहुत अच्छा खासा लूट भी मिलेगा, लेकिन वो चाबी कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। अब मैप के ऊपर ना ऐसा तीन अलग अलग लोकेशन होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्रेट भी मिलेगा जिसको ओपन करने के बाद लूट तो आपको मिलेगा, मतलब ये वाला मोड में लूट का कमी बिल्कुल भी होने वाला है ही नहीं। लेकिन जो चाबी होता ना वो अभी भी मेरे को मिला भी नहीं था, यहाँ पर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ना एक साउंड सा आ रहा था जिसको चेक करने के लिए मैं गाय लेके इस साइड आता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ ना तभी यहाँ पर मेरे को मिट्टी खोदने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर मिट्टी के अंदर से भी एक क्रेट निकलता है जिसके अंदर भाई लूट ही लूट होता है, इसमें भाई वो वाला चाबी भी मिलता है। और ये वाला जो चाबी होता है ना, जो डिब्बा मैंने आपको दिखाया था ना, वो शिप के अंदर जो डिब्बा होता है ना उसको भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर जो खुफिया दरवाजा, मतलब ऐसा कुछ ऐसा लोकेशन होगा जहाँ पर रैंडमली तीन लोकेशन पे ऐसा खुफिया दरवाजा होगा जिसको ये चाबी से ही खुलेगा। भाई कुछ भी बोलो, ये वाला जो मोड आएगा ना कसम से खेलने में बहुत मजा भी आएगा। ये वाला मोड जब मैं खेल रहा था ना कसम से इतना मजा भी आ रहा था, इतना रियल लग रहा था ना भाई, मैं आप लोगों को बता, जब आएगा ना भाई तब आप लोग खेलोगे तब मेरे को बताना। अब जैसे ये वाला दरवाजा ओपन होता है ना उसके बाद मैं अंदर की साइड जाता हूँ, लेकिन अंदर की साइड जाने के बाद मेरे को कुछ और ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन भाई लूट ही लूट मिलते रहता है। अब अंदर की साइड आने के बाद ना यहाँ पर एक डिब्बा भी मिल गया था, लेकिन यहाँ पर और एक दरवाजा होता है जिसको ओपन करने के लिए ना मेरे को और एक डिब्बा को ओपन करना होगा। अब यहाँ पर जोन भी आ गया था तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको ओपन तो नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल भी गया था, लेकिन ये वाला जो मोड है ना कसम से अगर बीजीएमआई में आते हैं ना रैंक पुश करने में बहुत मजा आएगा। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि इसमें डांसिंग वाला जो नेड है ना उसको यूज कैसे करना मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर मैं सामने एक एनिमी होता जिसके ऊपर मैं ये डांसिंग वाला नेट यूज करता हूं। जैसे यहाँ पर डांसिंग वाला नेड मैं करता हूँ ना तभी ये सामने वाला जो एनिमी होता ना वो यहाँ पर डांस करने लग गया था, मतलब इसका मतलब एनिमी को ट्रोल तो बहुत किया जाएगा। और मेरे ख्याल से जितने भी पावर या जो भी चीज दिखाना था मैंने सारे वाला वीडियो पे दिखा दिया, अगर कुछ छोड़ गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब ये वाला जो मैच होता ना ये पबजी मोबाइल का मैच तो होता है, तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाला बंदा बचता है जिसको मार के मैं चिकन भी ले लिया था। इसमें जो डांस है, मतलब लास्ट में आपको पता होगा जब भी न्यू मोड या न्यू अपडेट आता है ना उसमें लास्ट में जो एमबीबी इमोट होता है ना वो चेंज किया जाता है, और एमबीबी वाला इमोट होता है ना इतना मस्त बनाया ना भाई कसम से, देखो आपको मजा भी आएगा। और इसमें भाई रील तो बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज का ये वाला जो वीडियो था ना इसमें मैंने जो भी आपको समझाने के ट्राई किया आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं गए तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगेन मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा।